by Ghaziabad at 271, while Noida was at 268. Over the past 2 days, the pollution levels in these cities have dropped into the poor category, with the AQI surpassing 200 just days before Diwali. Now, even early in the morning, there is a lot of dust and smog in these cities, which causes pollution, leading to breathing difficulties. Listen in to some of the voices. एक्चुअली क्या है, डे बाई डे बहुत ही बढ़ता जा रहा है. बहुत पुअर क्वालिटी हो गई है एयर की, तो इससे बच्चों को भी इतना इश्यू हो रखा है. मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, मतलब ये सब हम लोग के साथ ही बहुत इश्यूज है. मतलब मुंह कवर करके हम लोग को जाना पड़ रहा है, ये सब बहुत इश्यूज हो रखे हैं. तो प्रॉब्लम डे बाई डे बहुत हम लोग सफर कर रहे हैं. मेनली ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है. तो ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, सभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ना कि कोई भी वाटर कुछ भी डालते हैं यहाँ पे, ये सब बहुत इश्यूज है हम लोग को. तो वर्स बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वही चाहते हैं गवर्नमेंट कुछ करे हम लोग के लिए. जो एयर क्वालिटी हमेशा खराब रहती है यहाँ पे, और नोएडा में तो विशेष रूप से हमेशा ही एयर क्वालिटी खराब रहती है. कभी भी ऐसा देखने में नहीं आता कि एयर क्वालिटी मतलब नॉर्मल भी हो. तो कंस्ट्रक्शन की वजह से? हाँ, कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन काफी बड़े लेवल पे होता ही रहता है यहाँ पे, चलता ही रहता है, तो उससे काफी लोगों को सांस लेने में कठिनाई होती है और भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं.